विद्या फिल्म शेरनी की शूटिंग के सिलसिले में बालाघाट पहुंची थी। इस दौरान मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने एक विशेष पेशकश की, जिसको ठुकराने से एक्ट्रेस विद्या बालन के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई। आइए दिखाते हैं आपको कि क्या थी ये पेशकश, जिसकी वजह से विद्या बालन की फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। विद्या बालन की फिल्म शेरनी की शूटिंग बालाघाट में चल रही थी। इसके लिए 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक की मंजूरी ली गई थी। इसी बीच शाह ने विद्या से मिलने की इच्छा जताई। 8 नवंबर को सुबह 11 से 12 बजे तक का समय तय हुआ। इसके बाद शाम 4 बजे वन मंत्री को महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जाना था। वहीं उन्हें रात में रुकना था, लेकिन वो भरवेली खदान के रेस्ट हाउस में रुक गए। शाम 5 बजे वो विद्या से मिलने पहुंचे और मुलाकात के बाद डिनर की इच्छा जताई। चूंकि विद्या बालन महाराष्ट्र के गोंदिया में रुकी हुई थी, लिहाजा उन्होंने डिनर के लिए मना कर दिया। इसका असर ये हुआ कि दूसरे दिन जब फिल्म से जुड़े लोग रोज की तरह वहां पहुंचे, तो साउथ डीएफओ जीके बरकड़े ने प्रोडक्शन यूनिट की गाड़ियां रोक दी। वन विभाग के इस रुख की जानकारी बड़े अफसरों तक पहुंची तो तुरंत डीएफओ को निर्देश दिया गया, तब शूटिंग शुरू हो पाई। उधर वन मंत्री शाह ने कहा कि डिनर का इंतजाम जिला प्रशासन ने किया था। गाड़ियां इसीलिए रोकी गईं क्योंकि शूटिंग के दौरान जंगल में 2 जनरेटर जाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने जनरेटर वाली कई गाड़ियां जंगल में ले जाने की कोशिश की, जिसे डीएफओ ने रोक दिया था।